subscribe to my channel. And also press this bell icon. नमस्कार, मैं राज सोलंकी और आप देख रहे हैं मजदूर वाणी टीवी। निजी स्कूलों में जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को 134A के तहत दाखिले का इंतजार अब खत्म हो गया है। प्रदेश भर में करीब 8600 निजी स्कूलों में जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को मुफ्त दाखिला के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। शिक्षा निर्देशालय के नियम 134A के तहत दाखिला लेने का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके मुताबिक 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जरूरतमंद बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। शिक्षा सत्र 2020-21 के लिए प्रदेश भर में 6,980 निजी स्कूलों ने 1,87,984 सीटें जरूरतमंद बच्चों के लिए आरक्षित दर्शाई थी, लेकिन पूरे प्रदेश भर में 1,02,963 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे, जो कि आज तक लंबित हैं, जबकि सेशन 21-22 में अभी तक किसी भी बच्चे को दाखिले नहीं मिली। नए शेड्यूल के अनुसार 134A के तहत सभी निजी विद्यालयों को 9 से 17 अक्टूबर तक नोटिस बोर्ड पर खाली सीटों की सूची लगानी होगी और 14 अक्टूबर को जिला स्तर पर खाली सीटों की सूची जारी की जाएगी। 18 से 22 अक्टूबर तक निजी स्कूलों द्वारा दर्शाई सीटों की वेरिफिकेशन की जाएगी। 24 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जरूरतमंद बच्चों के ऑनलाइन दाखिले फॉर्म जमा करवाए जाएंगे और पात्र बच्चों की सूची 11 नवंबर तक तैयार कर ली जाएगी। सरकार ने निजी स्कूलों की फीस भरपाई हेतु आवेदन मांगे हैं, जिसकी तारीख 20 अक्टूबर तय की गई है। नियम 134 के अंतर्गत शैक्षणिक स्तर 2020-21 के दौरान कक्षा 2 से 8 तक मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रमोट करते हैं विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर 20 अक्टूबर 2021 तक किया जा सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से हम सभी जरूरतमंद परिवारों से निवेदन करते हैं, वीडियो में बताई तिथियों के अनुसार 134A के तहत अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.